बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर इस वक्त खुशियों का माहौल है। दीपिका और रणवीर एक प्यारी सी बेटी के माता पिता बन गए हैं। दीपिका ने रविवार यानी 8 सितंबर को एक HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। इस खबर के सामने आते ही स्टार्स के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्टार्स से लेकर फैंस तक सभी सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने में लग गए। ऐसे में अब दीपिका और उनकी बेटी से मिलने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अस्पताल पहुंचे। इसी दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दीपिका की बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे मुकेश अंबानी और बोले कि दीपिका पादुकोण के करीबी और शुभचिंतक उनसे और उनकी नन्ही परी से मिलने अस्पताल पहुँच रहे हैं। वहीं अब दीपिका पादुकोण से मिलने मुकेश अंबानी भी पहुंचे। मुकेश अंबानी की कार को HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के बाहर अपनी कार से देखा गया। खबर है कि मुकेश माँ और बेटी से मिलने के उनका हाल लेने गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी की कार को भारी सुरक्षा के बीच अस्पताल से निकलते देखा जा रहा है। आलिया से लेकर प्रियंका तक ने बधाई दी दीपिका को। इसी बीच दीपिका पादुकोण को माँ बनते ही सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। दीपिका और रणवीर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बेटी के जन्म की खबर फैंस के साथ शेयर की। आलिया भट्ट से लेकर प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, अर्जुन कपूर, परिणीति, तमाम सितारों ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी और नन्ही परी को प्यार और आशीर्वाद दिया। दीपिका पादुकोण का वर्क फ्रंट, दीपिका पादुकोण के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में वो फिल्म कल्कि 2898 में नजर आई थी। इससे पहले उन्हें फाइटर और पठान में भी देखा गया। अब दीपिका पादुकोण जल्द ही फिल्म सिंगम अगेन में लेडी कॉप स्वैग में दिखेंगी। ये फिल्म 1 नवंबर 2024 में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।